हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के सीरीज में। और आज की ये वीडियो है खास, क्योंकि आज कुछ सिखाने वाला हूं खास। आइए देखते हैं क्या यहां पर देख सकते हैं। यहां पर बहुत सारी ईमेल आईडीज लिखी हुई है, ये रिसाइज नहीं है, तो पहले तो इसको रिसाइज कर लिया जाए। इसको रिसाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सबको सेलेक्ट कीजिए और अल्ट एच ओ आई प्रेस कर दीजिए, ये रिसाइज हो जाएगा। अब आपको ये ईमेल आईडी प्रॉपरली दिखाई देगा, लेकिन ये अरेंज वे में नहीं लिखी हुई। अरेंज वे का मतलब ये है कि ये रो में लिखी हुई है, ये देख रहे हैं, ये वन रो में सारी ईमेल आईडी लिखी हुई है। हम इसको वर्टिकली चाहते हैं, वर्टिकली समझ रहे हैं, हम इसको वर्टिकली चाहते हैं, तो इसलिए हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, और कॉपी करके फिर यहां पर हम इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। और जैसे ही पेस्ट स्पेशल ओपन होता है, तो यहां पर हमें क्या करना है, जैसे ही ये पेस्ट स्पेशल ओपन होगा तो ट्रांसपोज पे टिक करके और यहां से ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो भी ईमेल आईडीज थी वो यहां पर उसी फॉर्मेट में आ गई है। तो पुराने ईमेल आईडीज को आप चाहे तो यहां से डिलीट कर सकते हैं, ये तरीका बड़ा आसान है। अब यहां पर ये जो था इसे हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, देख सकते हैं। आप इसी को रो में कन्वर्ट करना हो तो इसको वापिस से सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके और कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके मान लीजिए फिर वापिस से इसको रो वाइज लेके आना है, तो राइट क्लिक करके वापिस से पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, और पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे, तो फिर ये रो वाइज हो जाएगा। तो कॉलम वाइज और रो वाइज आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।